सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लोकल ट्रेन में सफर करने के दौरान यात्रा कर रहे लक्ष्मण जांगड़े लोकल ट्रेन से नीचे गिर गए और दोनों पैर उन्हें गंवाना पड़ा। बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने पहले ही 31 साल के लक्ष्मण जांगले की शादी हुई थी और ठाणे रेलवे स्टेशन पर इस घटना के बाद यात्रियों में काफ़ी गुस्सा भी देखने को मिला था। जानकारी के अनुसार दादर में मजेस्टिक बुक स्टॉल पर काम करने वाले लक्ष्मण जांगले रोज़ाना की तरह अपने घर के लिए निकले थे। 22 मई को रात करीब 8:30 बजे दादर रेलवे स्टेशन से कल्याण स्टेशन के लिए लोकल ट्रेन पकड़े थे। लोकल ट्रेन जब ठाणे रेलवे स्टेशन पर पहुंची और यहां पर कुछ सेकंड रुकने के बाद लोकल ट्रेन ठाणे रेलवे स्टेशन से आगे की तरफ चलने लगी, तभी भीड़ कुछ ज़्यादा थी और उसी भीड़ में से दरवाजे पर खड़े लक्ष्मण जांगले चलती लोकल ट्रेन से करीब 200 मीटर आगे प्लेटफॉर्म के नीचे गिर जाते हैं और उनका दोनों पैर इस घटना में कट जाता है। लोकल ट्रेन के नीचे आने से लक्ष्मण जांगले का दोनों पैर कटा और वह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और वह मौजूद रेलवे पुलिस और कुछ यात्रियों की मदद से लक्ष्मण जांगले को तुरंत नज़दीकी कलवा सरकारी अस्पताल, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल है, वहां पर भर्ती कराया गया है। कलवा अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि लक्ष्मण जांगले की हालत काफ़ी गंभीर है और उन्हें तुरंत पैर की सर्जरी करनी पड़ेगी, इसलिए लक्ष्मण जांगले को प्राइवेट अस्पताल ठाणे के ढोकाली पर स्थित अस्पताल है वहां इन्हें भर्ती कराया गया। वहां लक्ष्मण जांगले के दोनों पैरों की सर्जरी कर दोनों पैर काटने पड़े। सौभाग्य की बात यह है कि इस दुर्घटना के बाद भी लक्ष्मण जांगले की जान बच गई, लेकिन उन्होंने अपने दोनों पैर इस घटना में गंवा दिए। 3 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी। परिवार के सदस्यों ने रेलवे प्रशासन से अस्पताल के खर्च और भरपाई करने और रेलवे प्रशासन को उसे मुआवजा देने की मांग की है। इस घटना में ठाणे रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच भी की जा रही है।